अंजना माता ने जब भगवान शिव की आराधना करी, शंकर की जब आराधना करी, तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए। समय बीता, माता अंजना के गर्भ में भगवान शंकर के तेज पुंज को पवन देव ने ले जाकर माता अंजना के गर्भ में स्थापित करा। स्थापित करने के बाद पूर्णिमा के दिन, चैत्री पूर्णिमा के दिन, भगवान अंजना माता के गर्भ से शंकर का ही एक अवतार श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। महाराज श्री हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी सगे भाई हैं, छे कितने भाई हैं, छे सगे भाई। सबसे पहले नंबर हनुमान, फिर गतिमान, केतुमान, धृतिमान, यतिमान, ऐसे हनुमान जी महाराज के छह भाइयों का क्रम वर्णन किया गया। कितने भाई हैं, छे। हनुमान जी महाराज का एक भाई है जिसका नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। और जिसके यहाँ पर फैक्ट्री हो, किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, चाहे वो नट बोल्ट की हो, पानी की हो, किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, अगर फैक्ट्री में जरा सी भी तकलीफ आती है तो हनुमान जी महाराज के उल्टा पांव, लेफ्ट पांव के नीचे का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर अगर फैक्ट्री पर स्वस्तिक बना दिया जाता है तो वो फैक्ट्री धड़ाके से चलना चालू हो जाती है, कभी खराब नहीं होती, कभी परेशान नहीं करती। महाराज गतिमान हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई, गतिमान का नाम है। ये जो राजनेता होते हैं ना, जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं और उन्हें विजय प्राप्त करना है तो विजय पाने के लिए वो एक ही काम करते हैं। हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई गतिमान, उस गतिमान के नाम से जो व्यक्ति युद्ध करने के लिए जा रहा है या विजय पाने के लिए जा रहा है, अपने बराबर का लच्छा, लच्छा जानते हो, नाड़ा मोली, उसको नाप कर गतिमान के नाम से लपेट कर हनुमान जी के मंदिर में रख देता है और उस मोली को फिर अपने हाथ पर बांध लेता है तो वो हार नहीं सकता, विजय ही प्राप्त करेगा। गतिमान का इतना प्रभाव है, चाहे कुछ भी, गतिमान गतिमान है, वो नीचे नहीं गिरने, उसकी प्रखरता गतिमान। श्री हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ, अंजना माता के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हुआ। श्री हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज प्रकट।